हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेसमेकर डिवाइस हार्ट फेलियर कॉज करता है क्या, लंबे समय तक क्या पेसमेकर अगर व्यक्ति को कनेक्टेड हो तो क्या इससे हार्ट फेलियर हो सकता है। अराउंड 5% ऑफ पेशेंट्स में, खासकर अगर सिंगल चेंबर पेसमेकर हो तो इससे हार्ट फेलियर हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेसमेकर से जो करंट निकलता है वो उसका करंट कंडक्शन पैटर्न ऑपोजिट साइड में होता है, रेट्रोग्रेड पैटर्न होता है। नॉर्मली पेसमेकर का जो इलेक्ट्रोड है उसको राइट वेंट्रिकल के एपेक्स पे लगाते हैं और करंट का जो नॉर्मल पाथवे होता है कि करंट ऊपर से नीचे आना चाहिए, इसके बदले करंट एक तरह से नीचे से ऊपर आता है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल करंट का कंडक्शन पाथवे है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। इसलिए जो लोग पेसमेकर पर बहुत ज़्यादा समय पर डिपेंडेंट रहते हैं और बहुत ज़्यादा जिनकी बॉडी में पेसमेकर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उनकी नेचुरल कंडक्शन सिस्टम बहुत ही खराब होती है, वैसे लोगों में लंबे समय पर हार्ट फेलियर होने लगता है और पंप फंक्शन डिटोरिएट हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में कोई कई बार उनको अपग्रेड करके सीआरटी डिवाइस पे या डबल चेंबर पेसमेकर यूज करना पड़ता है, क्योंकि सिंगल चेंबर पेसमेकर में इस तरह के हार्ट फेलियर होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है।